नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जीमेल पर आप अपनी फ़ोटो सेव कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि जीमेल पर हम अपनी जो है फ़ोटो कैसे सेव करते हैं, फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना है, इससे आने वाली बड़ी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो कि जीमेल पर हम अपनी जो है फ़ोटो कैसे सेव रख सकते हैं, तो सबसे पहले गाइज आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो है कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम में आपकी जो है ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको टू में भी आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी ही डालना है, क्योंकि गाइज आप जो है अपने ईमेल आईडी पर ही आप अपनी जो है फ़ोटो सेव करना चाहते हो, तो गाइज यहाँ पर आपको जो है अपनी ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। तो फटाफट गाइज मैं यहाँ पर अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पर जो है टाइप कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर टू में भी अपनी खुद की ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद गाइज सब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ऐड करना है। आपका फ़ोटो जिस भी तरह का है, आपको जो है अपनी फ़ोटो का सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर माय फोटो करके जो है सेट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे की ओर कंपोज ईमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो का मैसेज यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। आपका फ़ोटो जिस भी तरह का, आप अपनी फ़ोटो में जिस भी तरह का मैसेज ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो का मैसेज आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद गाइस आप देख सकते हो अगर आप अपनी फ़ोटो को अटैच करना चाहते हो, तो गाइस आपको ऊपर की ओर इस पिन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपकी मोबाइल की गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और दोस्तों आप जिस भी फ़ोटो को ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको उस फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप फोटो पर क्लिक करोगे, इसके बाद गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद सिंपली गाइस आपको जो है इस एरो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड आइकन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइस अगर आप देखना चाहते हो कि आपने जो भी ईमेल में अपनी फ़ोटो ऐड करी है, तो इसके लिए गाइस आपको जो है ऊपर की ओर थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीमेल पर हमारी फ़ोटो जो है सेव हो चुकी है। जैसे आप इस मेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जीमेल पर आप अपनी फ़ोटो को जो है अपलोड कर सकते हो, अपनी फ़ोटो को हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।